नागपुर में खेले जा रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के डे वन टीम इंडिया पूरी तरह से इस मुकाबले पर कब्जा जमाती हुई दिखाई दी। पहले गेंदबाजी तो वहीं बल्लेबाजी से भारतीय टीम इस मैच में आगे है। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम मात्र दो सत्र में ही 177 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद टीम इंडिया ने एक विकेट गंवाकर 77 रन बनाए और खेल समाप्त किया। पहले दिन भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट अपने नाम किए। बता दें कि रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में 7 तो वहीं क्रिकेट के मैदान पर 5 महीने के बाद वापसी कर रहे हैं और टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इसी मैच में पहले दिन रविंद्र जडेजा ने पंजा मारते हुए अपने कमबैक पर सभी को प्रभावित किया, लेकिन अब इसी गेंदबाजी के साथ रविंद्र जडेजा ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आपको बता दें कि बतौर गेंदबाज रविंद्र जडेजा ने सबसे बेहतर औसत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज की बात करें तो सबसे बेहतर औसत रविंद्र जडेजा का है। ये औसत गेंदबाजी का है जिसमें उनका कुल 18.2 का औसत है। रविंद्र जडेजा ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ग्लेन मैग्राह को पीछे छोड़ा है। ग्लेन मैग्राह के नाम 18.6 का औसत है। वहीं इस सूची में भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है जिनकी औसत कुल 21.3 है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि रविंद्र जडेजा लगातार कोई ना कोई बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करते जाएंगे, क्योंकि गेंदबाज ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी में अपनी फिटनेस और अपने फॉर्म का प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने ये बता दिया था कि वो इस सीरीज़ के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जो डे वन देखने को भी मिला। अब नागपुर टेस्ट में बल्ले से रविंद्र जडेजा क्या कमाल करके दिखाते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गेंद से तो उन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।